बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दिन एक शख्स इमाम सादिक अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर होता है और कहने लगता है, ए इमाम, मैं जो दुआ मांगता हूँ मेरी दुआ कबूल नहीं होती। आप मुझे कोई ऐसा अमल बताएं जिससे मेरी दुआ कबूल हो। इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ए शख्स, तुम्हें दुआ कबूल करवाने का सही तरीका नहीं आता। दुआ करने का सही तरीका ये है कि इंसान अल्लाह की बारगाह में हाजिर होकर सबसे पहले अल्लाह की हमदो सना करे, अल्लाह की तारीफ करे। दूसरे मरहले में इंसान गुनाहों को याद करे, अपने गुनाहों का एतराफ़ करे, उन गुनाहों का एतराफ़ करके अल्लाह की बारगाह में उसकी बख्शिश तलब करे, उसकी मग़फ़िरत तलब करे। और तीसरे मरहले में इंसान अपने दिल में अल्लाह के साथ ये अहद करे और मज़बूत इरादा कर ले कि ऐ अल्लाह, मैं दोबारा ये गुनाह को अंजाम नहीं दूंगा और अपने किए हुए गुनाहों पर नादिम और पशीमान हूँ। जब इंसान इन कामों को अंजाम दे तो इसके बाद इंसान अपनी दुआ अल्लाह से मांगे, अपनी हाजात अल्लाह से तलब करे। यकीनन अल्लाह उसकी हाजात को पूरा करेगा और उसे मायूस नहीं करेगा।